हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सीटेट सितंबर 2016 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका जो सेट है ये बुकलेट को इसका कोड है GGGG है इसका कोड, और ये पेपर फर्स्ट देख रहे हैं आप लोग इसका। स्टूडेंट पहला दो वीडियो, इसका जो पहला पार्ट है ये दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ये अपलोड किया जा चुका है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी का जो पार्ट है पार्ट फर्स्ट उसको लिया गया है, वो सॉल्व कराया गया है। और इस पार्ट में आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये देखिए पार्ट सेकेंड है, ओके पार्ट सेकेंड है यहाँ पर, ये मैथमेटिक्स का है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं केवल क्वेश्चन रीड करूँगी, स्टूडेंट सॉल्व नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका मैं केवल राइट आंसर आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स। देखिए फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, और ये फल है, ठीक है। इनके ये जो है मूल्य यहाँ पे दिए गए हैं ये किलोग्राम में। रेशमा ने 4.5 kg खरबूजा, 1 kg 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1.5 kg सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स पहला 163 रुपया, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर और 0.4 × 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर है, साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। ऑप्शन टू होगा 1280, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। 33 है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब ये इसका सेकंड होगा, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप के बराबर है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला कि 55 मिलीलीटर इज इक्वल टू। 35 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुणन योग पर वितरण के रूप में, ओके। तो ये 4 वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। 36 नंबर है क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। इसका राइट आंसर है पहला, लैंगिक भेद। 37वां है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 4th इसका सही आंसर होगा, ग्राफ पेपर। 38 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव 2 संख्याओं से बड़ी होती है, आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा पहला, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। 39 है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका 3rd सही है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। इसका है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसका होगा पहला, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। 41 है स्टूडेंट्स की, गणित की कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। इसका होगा
फोर ऑप्शन, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ये इसका सही आंसर होगा। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है, तो इसका होगा पहला पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता। नेक्स्ट है कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा और जिनमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था, और संग्रह था विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर है। अपने विचार, आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, ये सही होगा। 44 है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ओके, 45 है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो 4 होगा प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यह इसका सही आंसर होगा। देखिए, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, तो कोण, ये इसका सही आंसर होगा। 47 है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा 3rd। ओके, 3rd हो जाएगा ABCD, ठीक है, तो इसमें चारों होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों में क्षेत्रफल समान है, तो इसका पहला होगा आलेख, ग्राफ, पेपर के प्रयोग से, ये इसका सही आंसर हो। 49 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग देखिएगा। 49 का सेकंड होगा गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ठीक है, और इस वीडियो का स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप लोग। 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा ये 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd 493, ये इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे रोकती हूँ, इसके आगे के जो क्वेश्चन है इसके अगले पार्ट में सॉल्व कराया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि जब भी न्यू अपडेट्स हो आप लोग को मिलती रहे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर के सभी पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड। ओके, तो जुड़े रहिए, आगे देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।